हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट करें तो काफ़ी टफ होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। सो फर्स्ट स्टेप, लेट, मैं यही लेट कर देता हूँ, let y equal to this. Next step, we can write sin inverse. अभी जो 1 minus x है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, root 1 minus root x whole square minus root x root 1 minus x square. अब नो compare with this formula, एक formula आपने पढ़ा था अगर याद हो तो, sin inverse x minus sin inverse y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो ऑन कंपेयरिंग विद दिस फार्मूला, इस फार्मूले से आप कंपेयर करो, क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के प्लेस पे कितना है? रूट एक्स है, फिर माइनस वाई और वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसके प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम में? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है, अब हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब साइन इनवर्स रूट एक्स है, दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, साइन इनवर्स एंड रूट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको अपन एफ मान लेंगे और इसको जी मान लेंगे, तो पहले अपन एफ का करेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या होगा? वन अपॉन अन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स होल स्क्वायर, और फिर इंटू में किसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे? जी एक्स का मतलब रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन अपॉन टू रूट एक्स। नाउ सिंप्लीफाई, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स और इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। आप चाहे तो मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं अप टू दिस स्टेप, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बुक में आंसर हो सकता है इस तरह से मिले टू, ये भी रूट के अंदर और ये भी रूट में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस टाइम साइन इनवर्स टू रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर रेज टू द पावर एक्स। लेट वाई इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करने से लेट कर लो, साइन इनवर्स ये जो न्यूमरेटर है 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर एक्स इंटू 2 टू द पावर वन, यानी 2 इंटू 2 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस, अभी जो 4 रेज टू पावर एक्स है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को डाउट आएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ वेरीफाई कर देता हूँ, 4 रेज टू पावर एक्स इसको अपन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल रेज टू द पावर एक्स। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट 2 और x का इंटू हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2x। अब वी कैन आल्सो राइट 2 रेज टू द पावर x होल स्क्वायर। छोटी सी प्रॉब्लम पर बच्चों को बहुत बार दिक्कत आती है, सो नेक्स्ट टाइम टेक केयर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने, तो इस तरह क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते थे? लेट 2 रेज टू पावर एक्स को अपन क्या लेट कर लेंगे? टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को? टेन इनवर्स 2 रेज टू द पावर एक्स। साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी आपका फार्मूला हो गया, क्या हो गया बताओ? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ साइन 2 थीटा। ये साइन में लिख देता हूँ मैं,
साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी। अब नेक्स्ट टाइम में कोई भी कंडीशन ही क्वेश्चन में, तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा इक्वल टू टू थीटा। अब थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स टू रेज टू द पावर एक्स। अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट। अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो पहले तो अपन ने टेन इनवर्स का कर दिया, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन था, अब इसका भी करना पड़ेगा चेन रूल से। पहले एफ का किया, अब जी का करेंगे। अब टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स मीन्स ए टू द पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, ए टू द पावर एक्स लोगे तो टू टू द पावर एक्स का क्या होगा, टू टू द पावर एक्स इंटू लॉग टू बेस ई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, टू इंटू टू टू द पावर एक्स, तो इसको फिर से अपन लिख सकते हैं टू रेज टू पावर एक्स प्लस वन इंटू लॉग टू बेस ई, और अपॉन में क्या आ जाएगा वन प्लस, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं टू टू द पावर एक्स होल स्क्वायर को फोर एज टू पावर एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट कोट इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, लेट वाई इक्वल टू। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, जितने भी फॉर्मूले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे वो साइन कोस और टेन के अंदर थे, यहाँ पे कोट है तो हम कोट को पहले टेन में चेंज कर देंगे। कोट इनवर्स कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, रेसिप्रोकल लिख देंगे इसका। ये फार्मूला था कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, और टू कंडीशन थी, लेकिन यह कंडीशन कुछ भी नहीं दे रही, तो क्वेश्चंस अपने वैलिड कंडीशन में ही है, तो अपन सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पे दे नहीं रखा क्वेश्चन में कि एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। अब नेक्स्ट टाइम में फिर से अपन एक और फार्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला मैं पहले ही लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब इस फॉर्मूले से कंपेयर करो और नेक्स्ट स्टेप लिखो, टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के प्लेस पे तो वन है और वाई के प्लेस पे कितना है एक्स है, वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन इंटू एक्स कितना होता है एक्स। अब इसकी जगह अपन को ये लिखना, तो क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे कितना है वन है तो यह वन आएगा, फिर प्लस टेन इनवर्स वाई, तो वाई के प्लेस पे क्या आएगा एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे कॉन्स्टेंट ही है, टेन इनवर्स वन मीन्स क्या होता है पाई बाय फोर प्लस टेन इनवर्स एक्स, और दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो, पाई बाय फोर का तो हो गया जीरो, और टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो लास्ट आंसर इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट कोस इनवर्स दिस, सो फर्स्ट स्टेप लेट वाई इक्वल टू कोस इनवर्स दिस। अब यहाँ पे कोस इनवर्स को सिंप्लीफाई करना है, अब रूट के अंदर क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन क्या लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कहीं भी कंडीशन नहीं है, इक्वल टू कॉस इनवर्स टू साइन थीटा माइनस थ्री वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट थर्टीन। मोर सिंप्लीफाई, कॉस इनवर्स टू साइन थीटा एज इट इज माइनस थ्री वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कंडीशन ये तो सीधा अपन क्या ले देंगे टेक पॉजिटिव साइन और रूट मीन्स कॉस थीटा अपॉन रूट थर्टीन।
किसी को डाउट दें लिख देता हूँ मैं, 1 - sin² θ इज इक्वल टू cos² θ, आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास। अब cos इनवर्स अंदर भी cos बनना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, sin θ इंटू 2/√13, फिर माइनस cos θ इंटू 3/√13। अब आपको मालूम है कोस के फार्मूले में क्या होता है, कोस से कोस भी माइनस साइन ए साइन भी इस तरह से होता है, यानी कोस के साथ यहाँ पे ये कोस की वैल्यू होनी चाहिए और किसकी वैल्यू होनी चाहिए, साइन की वैल्यू होनी चाहिए। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट 2/√13 इक्वल टू साइन अल्फा, जैसे अपने लेट किया साइन अल्फा, तो हमें एक ट्राइंगल मिलेगा, इसमें एंगल अल्फा होगा, तो ये कितना हो गया 2, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √13, तो बेस कितना होगा √13² 13 - 4 9, 9 का रूट कितना हो गया 3, इट मीन्स 3/√13 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स sin θ इंटू साइन अल्फा माइनस cos θ इंटू कॉस अल्फा। अब ये फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें से पहले माइनस साइन कॉमन लेंगे तभी फार्मूला बनेगा, माइनस साइन कॉमन तो क्या मिलेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फार्मूला किसका बनेगा, कोस ए प्लस बी का, तो cos θ प्लस अल्फा। कोस के अंदर माइनस साइन है तो अपन क्या लिखते हैं, सभी को मालूम है फार्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स cos θ प्लस अल्फा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा थीटा प्लस अल्फा और बार माइनस है, ओपन द ब्रैकेट एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, थीटा कितना आपका साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप चाहें तो रखें ना रखें, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, वाई इक्वल टू दिस, सो dy/dx इज इक्वल टू पाई का तो हो गया 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/√1 - x² और फिर अल्फा का भी कितना हो गया 0, सो इक्वल टू -1/√1 - x². डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 6x - √1 - 9x² वेर एक्स लाइज बिटवीन -1/√2 एंड 1/√2। सो फर्स्ट स्टेप्स लेट y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना और लेट करना है। अब जब भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो रूट हटाना है। अब 9x² अपन क्या रखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 × 3x × 1 - 3x² जैसा लग रहा है ना, लेट 3x = sin θ देन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 2 sin θ, रूट में क्या आएगा 1 - sin²θ, साइन इनवर्स 2 sin θ, 1 - sin²θ cos²θ, और cos²θ का रूट कितना हो गया cos θ। ये तो आपकी आइडेंटिटी बन गई, साइन इनवर्स sin²θ। अब नेक्स्ट टाइम में अपन इसको रूट है तभी लिख सकते हैं जब 2θ किसको बिलोंग करना चाहिए, -π/2 to +π/2, सो हमको चेक करना पड़ेगा, इस बार कंडीशन है। अब साइन में अपन चेक करेंगे, क्या दे रखा अपन को, सिंस x किसको बिलोंग कर रहा है, -1/√2 to 1/√2, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए,
3x की, सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3x बिलोंग टू, 3 से इंटू करो तो क्या आएगा, माइनस 1/√22 प्लस 1/√2। लेकिन 3x किसको लीड किया था हमने, साइन थीटा को, तो साइन थीटा बिलोंग टू माइनस 1/√22 प्लस 1/√2। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या था आपका साइन 2 थीटा, सो देयरफॉर थीटा बिलोंग टू, अभी तो थीटा निकालना अपन को, साइन थीटा बिलोंग टू दिस, तो थीटा बिलोंग टू क्या आएगा, किसके लिए होती है, माइनस 1/√2 पाई बाय 4 की, और 1/√2 किसकी होती है साइन में, पाई बाय 4 की, सो थीटा बिलोंग टू दिस इम्प्लाइज 2 थीटा बिलोंग टू, डबल कर दो इसका, तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जो कि क्या है, साइन की रेंज है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, इफ 2 थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जो कि गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा किसको लीड किया था, साइन इनवर्स 3x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, और साइन इनवर्स 3x का किससे होगा, चेन रूल से, पहले f का करेंगे और फिर g का, तो पहले साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, और फिर इंटू में इसका करेंगे 3x का, तो 3x का हो गया 3। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, 2 इंटू 3 6, और अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस 9x स्क्वायर, और रूट लगा दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट 10 इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, लेट y इक्वल टू, अब यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखो, टेल मी टू नंबर्स हुज सम इज 5x एंड प्रोडक्ट इज 6x स्क्वायर, 2x प्लस 3x, दोनों का सम कितना होता है 5x, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 6x स्क्वायर। जैसे हमने इसको ब्रेक किया, जैसे लुक लाइक अ फार्मूला, अगर आपको ध्यान से याद हो तो फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सो अप्लाई दिस फार्मूला, सो 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x। अब हम इजीली इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दोनों ही फंक्शन प्लस में, दोनों का चेन रूल्स होगा, पहले अपन फर्स्ट टर्म का करेंगे 10 इनवर्स का, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और फिर 2x का करेंगे कितना आएगा 2, फिर इसका करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, और फिर हम किसका करेंगे 3x का, तो क्या आएगा 3। अब इसको अरेंज कर दो, 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। इन नेक्स्ट लेक्चर वील डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।